हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन मतलब अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में. तो और क्या क्या आगे के वीडियोस में होंगे ये भी हम लोग आज डिसाइड कर लेंगे. तो एलिमिनेशन जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ होती है. कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो 100% यील्ड है वो क्वाइट इम्पॉसिबल सी बात होती है. ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ सीख जाएंगे ऐसा कुछ जरूरी थोड़ा ना होता है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी उनके साथ एलिमिनेशन की भी रिएक्शंस होती है. तो एलिमिनेशंस में हो सकता है कि जैसे आपके दोनों ही हाइड्रोजन एटम जो है एक ही एटम से हट जाए. ठीक है, तो ये आपका अल्फा एलिमिनेशन में आता है. ठीक है, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म होता है, इसकी हम एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक कार्बन बनता है. तो इन अल्फा एलिमिनेशन के बारे में हम लोग जो है यहां पर क्या नाम है कार्बन के टॉपिक में पढ़ेंगे. और यदि आपका ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन. ठीक है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटता है और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटता है, तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं. इसको हम और एक नाम और भी दे सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन. ठीक है, और तीसरा कि आपका गामा से हट जाए, अल्टीमेटली ये साइक्लाइजेशन की रिएक्शन है. ठीक है, तो इसमें यहां से हाइड्रोजन हट गया इस कार्बन से और यहां से हाइड्रोजन हट गया, तो अल्फा ये बीटा और ये गामा. ठीक है, तो ये आपकी गामा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो मोस्ट ऑफ जो डिस्कशन यहां पर हमारा रहेगा वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस पे रहेगा, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस पे रहेगा. ठीक है, तो इसकी जो टाइप्स है वो E1, E2, E1CB और EI. ठीक, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. उसके बाद जो है हॉफमैन प्रोडक्ट और Zaitsev प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो जो है सारा डिस्कशन हमारा इन सब पॉइंट्स पर रहेगा. और जब आप एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे बुक्स वगैरह से, अच्छी सोलोमन से या आपकी जैगेन मार्च वगैरह बुक से, तो आप देखोगे यार कॉम्प्लेक्स जो है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस मतलब समझ भी आएगी नहीं आएगी, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी सी बढ़ती जाएगी. ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा कि यार कहां पर E1 होगा, कहां पर E2 होगा, कहां पर SN1 होगा, कहां पर SN2 होगा, या सारे इकट्ठे होंगे कैसे होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है. तो आपका कुछ एग्जांपल ऐसे हैं सीधे सीधे जिसमें SN1 होता है, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा SN2 होगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें E1 होगा या E2 होगा. मतलब जो भी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधा होगा, थ्योरी भले कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सीधा होगा. उसको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उसने दे रखी होगी कि भाई क्या आपको आंसर चाहिए. तो मतलब क्वेश्चन यदि बना है तो उसका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा होगा. ठीक है, तो बुक्स वगैरह में अक्सर इतना इतना लिटरेचर मिलता नहीं है और क्लासरूम में हम थोड़ा कम डिस्कस करते हैं. तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हम सब सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. उसके बाद अभी जो हम एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उन्हीं पर बेस्ड चीजों को आगे फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहला एग्जांपल सिंपल सा है कि यहां से आपका ER निकाला आपने और यहां से जो आपने एच निकाल लिया. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, HBr rectify, ये आपका 85% बन जाता है इस एग्जांपल में. और इसमें जो आपने काफी बेसिक बोलिया क्या नाम है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा जो है आपका एल्कोहल भी रखा और यहां पर भी आपने न्यूक्लियोफाइल काफी बेसिक लिया. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी बहुत बेसिक होता है या कभी उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को इंक्रीज करता है. और इसमें यदि आप एग्जांपल में देखें तो हाइड्रोजन यहां से घटा सकता है, यहां से घटा सकता है, इसने मेन आपका ये प्रोडक्ट बनाया और इसमें भी ई और जेड दो फॉर्म बन सकती है, ट्रांस सिस और ट्रांस आइसोमर. तो उनकी जो रेशियो होती है 3.6 है, तो आप जानते होंगे आई होपफुली ई फॉर्म क्या होती है और जेड फॉर्म क्या होती है. ठीक है, ये आपको ऑप्टिकल जो
आइसोमर्स का नॉमिक्लेचर हम बताते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का उसमें डिस्कस करते हैं। और आप जो है अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो भी आपका जो है इतनी परसेंट बनता है, ये वन पर आता है, यहां से तो खैर है ही नहीं, तो बड़े वाले निकलता है, ऐसे ही यहां पर भी प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ये जो है दोनों हॉफमैन प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है, ये संजय फ्रूट का एग्जांपल है। और जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आप जैसे आपने एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे मेथड्स, वैसे हम डिस्कस करेंगे जैसे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेम्परेचर, ठीक है ठीक है, और लिविंग ग्रुप वगैरह या एबिलिटीज वगैरह, उन सबके बेसिस पर एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आप क्वेश्चन कोशिश करिएगा, एक एल्कीन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी एल्कीन मोर स्टेबल है। ठीक है, मेजर संजफ प्रोडक्ट बनता है या कहीं और भी जगह, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनने की भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आपको मोस्ट तो इनमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। ठीक है ठीक है, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होंगे, दिस वन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में आप तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो जो है ये आपका थ्री अल्फा है, यहाँ पे थ्री अल्फा और यहाँ पे टू अल्फा, एट अल्फा, यानी ये हाइड्रोजन है एट अल्फा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास दो अल्फा यहाँ है, दो अल्फा यहाँ पर है, हाइड्रोजन टोटल चार, इसके पास केवल एक अल्फा है, तो थर्ड इज लीस्ट के बाद जो है फर्स्ट देन सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यहां पर स्टेबिलिटी है, तो थर्ड जो है तो सबसे कम स्टेबल है, देन फर्स्ट है, फिर सेकंड है। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा कम, तो उसके लिए वही हाइपर कॉन्जुगेशन देखें। तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तीन छह दो आठ, यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, दो और तीन अल्फा है, यहाँ पर ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो आपका तीन तो पांच और एक छह अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड, तो सेकंड जो है आपका सबसे कम स्टेबल है, देन आपका थर्ड, देन फर्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबल। तो इन तीनों में आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है, आप लोग उम्मीद है गैस कर लेंगे, इसका नाम फर्स्ट रख दिया, इसका सेकंड, का थर्ड, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, ये अल्फा, पांच अल्फा है, इसके पास सेकंड के पास ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, नाइन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास आपका ये अल्फा, वन अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो थर्ड इज लीस्ट स्टेबल, देन आपका जो है फर्स्ट, और देन सॉरी सेकंड, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो नॉर्मली संजय प्रोडक्ट में मोर स्टेबल एल्कीन ही ज्यादा बनती है। ठीक है ठीक है, तो हॉफमैन के क्या लॉजिक है, सेंजर प्रोडक्ट के क्या लॉजिक है, वो सब हम डिस्कस आगे करेंगे। ठीक, तो यहाँ अभी आपको फर्स्टली